एसपीपीए ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम कुमार एक बार पुनः उपस्थित हूँ भूगोल की कक्षा में। भूगोल की कक्षा में पिछले दिनों हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे और प्राकृतिक संसाधन में हम जिस संसाधन की बात कर रहे थे वो था भूमि संसाधन। इस कक्षा में हमने भूमि संसाधन क्या होता है, भूमि संसाधन का हमारे जीवन पर क्या महत्ता है और मृदा क्या होता है, मृदा के निर्माण कैसे होती है और मृदा कितने प्रकार की होती है इसके बारे में चर्चा किया था। उसी कक्षा में हम लोगों ने मृदा के 6 प्रकारों में से 4 प्रकार जलोढ़ मृदा, लाल मृदा या पीला मृदा, काली मृदा और लेटराइट मृदा के बारे में चर्चा किया था। इनके गुणों के बारे में चर्चा किया था, इनमें उपयुक्त पोषण तत्वों के बारे में चर्चा किया था और आज हम लोग इसी मृदा के 5वें प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस मृदा का 5वां प्रकार है मरुस्थलीय मृदा। नाम से स्पष्ट है मरुस्थलीय, यानी कि ये जो मृदा है ये बलुआ होती है, बलुआ मिट्टी होती है और ये मृदा जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, लगभग जिसमें वर्षा नहीं होती है और लंबे शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। इस मृदा का रंग जो है लाल या हल्के भूरा रंग का होता है। ये मृदा सामान्य तौर पर अनुपजाऊ होती है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था करके हम इसमें कपास, चावल और गेहूं का खेती कर सकते हैं। इस मृदा की अगर हम विस्तार की बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ है, तो ये मृदा पश्चिम राजस्थान, गुजरात के 2 क्षेत्र, एक कच्छ और एक सौराष्ट्र में, और उसके बाद पश्चिम हरियाणा और ये दक्षिण पंजाब में भी इसका विस्तार है। आपके स्क्रीन पर मैप दिख रहा होगा, इसमें पीला कलर में जो आपको मृदा दिख रहा है ये मृदा ही मरुस्थलीय मृदा है। तो इस तरह से हमने मरुस्थलीय मृदा के बारे में सामान्य जानकारी ले ली। अब चलते हैं इसके छठा प्रकार ये है पर्वतीय मृदा। नाम से स्पष्ट है ये पहाड़ी इलाका में, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मृदा में बहुत असमानताएं होती है। अब यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि असमानता का मतलब है कि ये जो ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र में जो ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है वहाँ ये मृदा अविकसित रूप में रहती है, यानी कि बड़े बड़े कणों के रूप में मौजूद होती है जो लगभग उपजाऊ नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ की ऊंचाई से नीचे घाटी की तरफ आते जाते हैं ये मृदा जो है अधिक उपजाऊ होती है और एक विकसित मृदा होती है, छोटे छोटे कणों के रूप में होती है। और इस मृदा में हम लोग क्या करते हैं, फलों और आलू आदि की खेती कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने मृदा के 4 प्रकार पहले की क्लास में और 2 प्रकार इस क्लास में कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। और अब जो हम बात करेंगे ये है भूमि के उपयोग के स्वरूप पर। तो जब लगभग आज से 12,000 साल पहले के आसपास जब पृथ्वी पर जीवन आया, उस समय भूमि के उपयोग और आज के भूमि के उपयोग में बहुत बदलाव आ चुका है। जैसे जैसे मानव सभ्यता विकास करती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे भूमि का भी उपयोग का रंग आधार बदलता चला गया। तो हम लोग देखेंगे कि भूमि का उपयोग हम लोग अपने हितों के लिए किस आधार पर कितने तरह से करते हैं। तो आइए देखते हैं भूमि उपयोग। बात यह है कि जैसे जैसे हमारे सभ्यता का विकास हुआ, कल कारखाने लगे, जैसे जैसे हम डेवलप किए, जनसंख्या बढ़ी, तो पहले जो वन आच्छादित क्षेत्र था उस क्षेत्रों को हमने काटकर कृषि योग्य भूमि बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें भोजन की आवश्यकता थी। इस तरह से भूमि का स्वरूप जो है, उपयोग का स्वरूप बदलता चला गया और ये जो है असंतुलित हो गया। असंतुलित भूमि के उपयोग का स्वरूप ठीक उसी तरह से असंतुलित हो गया जैसे किसी नाव में अगर आप सवार होकर जा रहे हैं और वहाँ पे सभी लोग एक ही साइड में स्थित हो जाए,
तो नाव का डूबना लगभग संभव तय है। उसी तरह से भूमि का उपयोग यदि हम एक ही स्रोत एक ही रूप में करने लगेंगे तो इससे इसी तरह की खतरा हमारे जीवन पर आ पड़ेगी। तो फिलहाल हम देखते हैं भूमि का उपयोग किन किन तरह से हम लोग करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि भूमि किन किन उद्देश्यों से उपयोग में लाई जा रही है। तो भूमि का उपयोग जो है वन के विस्तार के लिए किया जा रहा है। भूमि के अधिकांश भागों पर वनों का विस्तार है। दूसरा जो है कृषि अयोग्य भूमि, मतलब ऐसे भूमि जिस पर खेती नहीं की जा सकती है, जो अनुपजाऊ है। तीसरा है गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, मतलब ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं होती है लेकिन अन्य कार्य होते हैं, जैसे उद्योग, सड़क, घर। तो ये जो गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि है, ये भी इस उद्देश्य से भी भूमि का उपयोग होता है। उसके बाद है अस्थाई चारागाह, ये जो मवेशियों पशुपालन के लिए चारागाह आप गाँव में देखते होंगे कि एक भूमि होता है जिसमें घास लगा होता है, उसमें पशु चरते हैं, वो अस्थाई चारागाह वाली भूमि। चौथा है बाग बगीचे एवं उपवन, ये जो हम गांव में पेड़ पौधे लगाते हैं, जहां बांस या आम आम के फले फल वगैरह ये सब चीज़ें वनों में नहीं आता है, इसी ये वाला जो क्षेत्र है उसे कहते हैं बाग बगीचे एवं उपवन वाले क्षेत्र। और उसके बाद है अगला कृषि अयोग्य बंजर भूमि, ऐसी भूमि जिस पर कृषि नहीं की जा सकती है, वो पूर्णतः बंजर है। और अगला है वर्तमान परती भूमि, मतलब ऐसा भूमि जहाँ पर कृषि की जा सकती है लेकिन फिलहाल एक सालों के या दो सालों के लिए क्या किया गया है, उसको परती छोड़ दिया गया है, उस पर खेती नहीं किया जा रहा है। तो ये है वर्तमान परती भूमि। उसके बाद है वर्तमान परती के अतिरिक्त परती भूमि। तो ये कहेंगे जैसे एक वर्तमान परती भूमि तो हम समझ गए, लेकिन इसके अतिरिक्त और कौन सा परती भूमि, मतलब ऐसा भूमि जिस पर खेती किया जाता था लेकिन पिछले 5 सालों से वहाँ पे खेती नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे भूमि वर्तमान परती के अतिरिक्त परती भूमि है। और उसके बाद है शुद्ध बोई गई भूमि, ये ऐसा भूमि है जिस पर खेती लगभग हर मौसम में हर तरह की खेती किया जाता है, ये शुद्ध बोई गई भूमि होता है। हालांकि इसका एक फार्मूला भी होता है जो आप लोग अगले कक्षा में 11th 12th वगैरह में पढ़ेंगे, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। तो हमारे भारत में लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जिसमें से लगभग 93% का आंकड़ा हमारे पास, हमारे सरकारों के पास उपलब्ध है। आप कहेंगे कि 93 क्यों है, तो 7% जो है कश्मीर वाला जो पाकिस्तान का अधिकृत क्षेत्र है और बाद बाकी चाइना का भी जो अधिकृत क्षेत्र है उस वाले का सर्वेक्षण का रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में मैं बात कर रहा था कि भूमि का उपयोग का कैसे कैसे होता है। तो जैसे पशुधन के मामले में भी भारत अग्रणी देशों में है विश्व के, लेकिन यहाँ पे चारागाह की भूमि इतना ज़्यादा नहीं है और इसी के कारण जो है पशुधन के मामले में भी हम उससे ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे पिछड़ापन आ रहा है। मैं पहले ही कह रहा था कि भूमि के उपयोग में असंतुलन कैसे नाव को डुबा देती है। उसी तरह से एक सर्वे में कहा गया कि विश्व में अनुकूल पर्यावरण के लिए, यानी कि अपने भारत में भी अनुकूल पर्यावरण के लिए केवल 33% जमीन पर, 33% भूमि पर वनों का होना चाहिए, लेकिन हमारे विकास कार्यों के कारण लगातार ये वन कम हो रहे हैं और अभी वर्तमान में 20-22% तक सिमट कर रह गई है। इस तरह से जो भूमि का उपयोग का असंतुलन है ये कई सारी पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। इसके अलावा भूमि के उपयोग में सभी राज्यों में असंतुलन की स्थिति भी है। आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहाँ 80% क्षेत्र जो है कृषि योग्य है, लेकिन अगर असम और अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर क्षेत्र की अगर हम बात करें भारत की, तो वहाँ पे 10% से कम क्षेत्र ही कृषि योग्य हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि भूमि का उपयोग में कैसे स्वरूप बदलता चला जाता है, कैसे असमानताएँ हैं भूमि उपयोग में। अब एक यहाँ से शब्द आता है कि भूक्षरण, हम जो असमानता ला रहे हैं भूमि के उपयोग में और जिस तरह से भूमि संसाधन का दोहन कर रहे हैं उससे भूमि का क्षरण हो रहा है। तो देखते हैं भूमि क्षरण क्या है। भूक्षरण
तो भूमि का विभिन्न क्रियाओं के द्वारा अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना ही भूक्षरण कहलाता है। ये कई कारण से होता है, कई बार प्राकृतिक कारणों से और कई बार मानवीय कारणों से भी होता है। कई बार क्या होता है, बरसात के कारण एक जगह की भूमि बह करके किसी गड्ढे में जमा हो जाता है, इस तरह से भूमि का क्षरण हो जाता है। कई बार होते हैं पर्वतीय अपरदन के कारण, अपरदन मतलब टूटने, अपरदन के कारण एक जगह से भूमि दूसरे जगह चली जाती है और भूमि का क्षरण हो जाता है। कई बार तूफानों के कारण जो है भूमि एक जगह से उठकर, ये सुनने में थोड़ा पटा लगेगा लेकिन ऐसे तूफान होते हैं जहाँ पे बहुत सारे मिट्टियों को एक जगह से हटाकर दूसरे जगह लेकर चला जाते हैं, तो ये भी भूमि अपरदन का एक कारण है। इसी तरह से मानवीय क्रियाकलाप के कारण भी भूमि अपरदन होता है, भूमि क्षरण होता है, सॉरी। जैसे कि कहीं बहुत ज़्यादा अगर हम पानी लगा दिए तो उसके कारण भूमि के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है, उसे जल आक्रांता कहते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी लगा दिए और भूमि के पोषण तत्वों में कमी आ जाता है, इसे कहते हैं भूमि निम्नीकरण। जल आक्रांता के कारण भूमि निम्नीकरण की समस्या आती है। इसके अलावा हम लोग खेती में रासायनिक उर्वरक का जो यूज़ करते हैं उससे भी भूमि के पोषण तत्व में कमी आती है, और इस तरह से भूमि जो एक महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे लिए, उसका क्षरण हो रहा है, उसका निम्नीकरण हो रहा है। तो अब एक सवाल उठता है कि क्या ये ऐसे ही होता रहेगा तो हमारा मानव जीवन सुरक्षित रह पाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, और इसके लिए हमको कुछ प्रयास करना पड़ेगा, और इसका एक ही प्रयास है, भूमि संरक्षण। क्या है भूमि संरक्षण? अगर हम भूमि संरक्षण करेंगे तभी पर्यावरण बचेगी, और तभी भूमि बचेगी जिससे हम खाद्य पदार्थ, रोटी कपड़ा और मकान का जो कंसेप्ट है ये भूमि से ही जुड़ा हुआ है। तो भूमि संरक्षण कैसे करेंगे? पहला है, इसके लिए कई आधार पर प्रक्रिया की जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि तूफान के कारण अगर भूमि जो है क्षरण हो जाती है, उसके लिए पट्टिका कृषि जो है बहुत फेमस है। उसमें क्या किया जाता है, खेती करते समय क्या करते हैं कि बीच बीच में मरुस्थलीय मृदा में ये ज़्यादातर किया जाता है, घास की पट्टियाँ लगा देते हैं ताकि क्या हो, जब हवा तेज आए तो भूमि उड़े नहीं। हम लोग गांव में भी इस तरह की काम करते हैं, जहाँ पे ऊंचाई से मिट्टी भरते हैं ना, वहाँ पे बरसात में मिट्टी को बहने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घास लगा देते हैं वहाँ पे। तो ये जो है, इस तरह से भूमि क्षरण को संरक्षित किया जाता है। उसके बाद जब हम कृषि कार्य करते हैं तो इसमें जितने रासायनिक उर्वरक का यूज करते हैं, इसके जगह पर हमें जैविक उर्वरक को यूज करने की सलाह दी जाती है। आप बराबर समाचार पत्रों में सुनते रहते हैं, ऑर्गेनिक खेती होना चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब जैविक खाद से खेती होना चाहिए, रासायनिक से नहीं। रासायनिक खाद का जब हम प्रयोग करते हैं तो भूमि की उर्वरा शक्ति को कमज़ोर कर देती है। निश्चित तौर पर उसमें उपज तो ज़्यादा होती है लेकिन वो भूमि की उर्वरा शक्ति को कमज़ोर कर देती है, और अगले 2-3 साल के बाद उसमें उपज कम हो जाता है। ठीक इसी तरह से और भी पहाड़ी क्षेत्रों में जब खेती होता है तो वहाँ जो है समुच्च कृषि की प्रावधान है। जैसे वहाँ पे जुताई जो होता है ऊपर से नीचे इस तरह से नहीं होता है, उसमें एक सीढ़ी की तरह बना करके जुताई की जाती है, ताकि जैसे ही पानी ढलान पर से नीचे उतरे तो एकाएक नहीं उतरे, जिससे भूमि का क्षरण हो। इसके अलावा भूमि क्षरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण को भी एक अच्छा उपाय माना जाता है, कि जहाँ पे ज़्यादा वृक्षारोपण होते हैं, आप देखते होंगे बाढ़ जब आती है गांव में तो वृक्ष जहाँ होते हैं वहाँ पे मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है। तो इस तरह से भूमि क्षरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण भी एक अच्छा उपाय है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इस जैसे भूमि क्षरण हो रहा है तो इसके रोकने के भी बहुत सारे उपाय हैं, इसको अमल में लाना जरूरी है, और इसके लिए विभिन्न तरह की योजनाएं बन रही है सरकार में। एक जल जीवन हरियाली अभियान बिहार में जो चल रहा है वो भी इसी के पक्ष में एक कारण है, कि जो भी जल संचयन है तो जल का जो है एक रास्ता बना दिया जाए, ताकि उस रास्ते से जल जो है रिचार्ज हो जाए, नीचे ज़मीन पर चला जाए, ताकि हर जगह जल जमाव नहीं हो। क्योंकि अधिक जल जमाव से हमने पढ़ा है कि जलाक्रांता जैसी जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे उसके जो रेत मतलब छिद्र होते हैं ज़मीन के वो ब्लॉक हो जाते हैं और वहाँ पे क्षारीय गुण उस ज़मीन में आ जाती है।
इस तरह से आज हम लोगों ने मृदा के बचे हुए दो भागों के बारे में, दो प्रकारों के बारे में चर्चा की, जो प्रकार था मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भूमि के उपयोग का स्वरूप किस तरह से बदलता आ रहा है मानव के विकास के साथ, और उसके बाद हमने पढ़ा कि जिस तरह से कई प्राकृतिक और कई मानवकृत कारणों से भूमि में क्षरण हो रही है, इसके बाद हमने भूमि क्षरण को रोकने के उपाय के बारे में जानकारी प्राप्त किया। आशा है कि आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और जो चीज़ नहीं समझ में आया उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए ओके, गुड डे एंड टेक केयर।